अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में सबसे पहले आपको मैं मक्का की ज़ियारत करवाऊंगा। माशाल्लाह देखें, बहुत प्यारा मंजर है। और आप सबसे दोबारा फिर यही एक ही बात करूंगा हमेशा की तरह कि शेख साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं शेख साहब को एक ऐसे बयान सुनाने वाला हूँ ना, जिस सुन के आपके आँखों से आंसू आ जाएंगे, कसम से बहुत ही आला किस्म का बयान। चलो आइए बयान सुनते हैं। वज़ाइफ जो हैं वो दर हकीकत अल्लाह ताला का कलाम है या अल्लाह ताला का जिक्र है। तो बड़ा बेवकूफ़ वो आदमी होगा जो ये सोचे कि अल्लाह ताला का जिक्र करने से या अल्लाह ताला का नाम लेने से फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो होगा। अगर हिंदू अल्लाह ताला का नाम ले लेकर पुकारे और मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिस तरह के वो अहले आमाल के अंदर मौजूद है, मरवी हैं, तो उसको भी फ़ायदा हो जाता है। ये फ़ायदा हो जाना या फ़ायदा ना होना, ये तो कोई मेयार सच्चाई का नहीं, ये तो कोई सच्चाई का मेयार नहीं। आपको पता है दज्जाल जब आएगा तो फिर किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा उस पर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जाएंगे, और जो शख्स दज्जाल को कहेगा कि तू ही मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, मेरा इलाह है, तो उसको नेमतें दी जाएंगी, इनाम इकराम के साथ नवाजा जाएगा। तो ये तो कोई मेयार नहीं। मेयार तो ये है कि जो अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुरान सुन्नत जिसको कहते हैं, असल में यार जो है वो है किसी को पहचानने का कि कोई क्या है। और जो शख्स बात बात पर कहता है झूठ बोल करके मुझ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, और ऐसी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब करता है कि जो बातें कतअन और खुल्लम खुल्ली कुरान और हदीस की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं, तो यकीनन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोहतान बांधता है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोहतान बांधता है वो वलीउल्लाह कैसे हो सकता है? वो तो एक आम मुसलमान होना भी उसका, मोमिन होना भी उसका एक मुश्किल बात है। सामीन और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर न्यू अपडेट देते रहते हैं, तो सामीन आज की न्यू ख़बर ये है कि शेख अमीन साहब फ्राम मुल्तान इंतकाल कर चुके हैं। ये बिल्कुल सही ख़बर है, ट्रू ख़बर है और सच्ची ख़बर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि शेख अमीन साहब मुल्तान वाले इंतकाल कर चुके हैं, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।